हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसको स्टार्ट करने के पहले यहां पर तीन प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप। ए की पावर m इंटू ए की पावर n मल्टीप्लाई में जो बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ओके, डिवाइड में जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। इट मींस मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है जब बेस सेम रहता है। डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है जब बेस क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ के भी रखा है। ओके, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट थर्ड वाली आइडेंटिटी की ओर। थर्ड वाली जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है, ए की पावर एम की पावर, ए की पावर एम की होल पावर एन। जब भी ऐसा कुछ आ जाता है कि किसी की कुछ पावर हो और उसकी भी एक पावर, तो आपको क्या करना होता है, पावर पावर का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब a की पावर क्या हो जाएगा, m n। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीन आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड से फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप देखिए फर्स्ट पार्ट जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर 1/5। अब यहां पर आप देखिएगा, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे यहां पर जो बेस है वो क्या है, आपके सेम और मल्टीप्लाई में। तो आपको पता है जब बेस सेम रहते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए, आपको लिखा है 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 1/5। यहां पर आप देखेंगे बेस क्या है, सेम है, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब 2 की पावर 2/3 में प्लस हो जाएगा 1/5। तो इस 2/3 को 1/5 से अपन रफली प्लस कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर 5 3 15 आपका एलसीएम आएगा। आप देखेंगे 5 2 10 3 1 3, इट मीन्स ये जो आएगा वो कितना जाएगा, 13/15। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो आंसर आएगा 2 की पावर 13/15 आएगा। ओके, तो यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट पार्ट की ओर। हियर अवर नेक्स्ट पार्ट इज अ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो आपको लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर 3। क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो मतलब मैं देख रहा हूं यहां पर मेरी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी पावर की पावर पावर, तो इसका मतलब पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप देखिए 1 की पावर 7 1 की पावर कितनी में होता, 1 ही आएगा। होल अपॉन में आप देखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 7, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई, इट मीन 3 7 जा कितना हो जाएगा यहां पर, 21। तो यहां पर 3 की पावर कितना जाएगा, 21। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आप यहीं पे बोल सकते हैं 1/3 की पावर 21। ओके, तो यहां पर आपका सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पर, 11 की पावर 1/2 होल अपॉन में 11 की पावर 1/4। यहां पर आप देखिएगा बेस सेम है और डिवाइड में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी आपकी आइडेंटिटी बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो यहां पर आप देखिए 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4 दोनों डिवाइड में, तो इट मींस 11 की पावर 1/2 में से माइनस करना होगा 11 की पावर 1/4 को। इसे अपन रफली कर लेते हैं, तो आप देखिएगा 1/2 में से मेरे को माइनस करना है 1/4। तो यहां पर मैं देखूंगा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। अब मैंने देखा 2 2 4, तो यहां पर बचेगा 2, यहां पर 1, तो इट मीन्स ये जो आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो यहां पर मैंने देखा 11 की पावर और इसको जब माइनस कर रहा तो कितना आ गया, 1/4। इट मीन जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 11 की पावर 1/4 रहेगा। ओके, सो हियर आवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.6 इज कंप्लीटेड। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। हियर आवर नेक्स्ट पार्ट इज 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। अब मैंने देखा यहां पर बेस सेम नहीं है, क्या नहीं है, बेस सेम नहीं है। अब यहां पर बेस सेम नहीं है तो पावर तो प्लस हो नहीं सकती है, पर यहां पर मैं देख रहा हूं पावर सेम है। तो यदि पावर सेम है और बेस सेम नहीं है तो आपको यहां पर क्या करना होगा, बेस का मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 56 और पावर आपकी सेम है तो 56 की पावर 1/2 लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.6 ऑफ 9th क्लास इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।